हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और सब ठीक तो हो गए? भाई ये मेरा पहला व्लॉग है। आज हम इस व्लॉग में बताएंगे कि तुमने देखा होगा कि हम हुक्का बहुत पीते हैं, तो भाई हुक्का कैसे लगता है, कैसी परंपरा होती है इसको लगाने की, एक एक चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। बढ़िया, हमारी हुक्का पार्टी में भाई एक ये शख्स है जिसका नाम है भानु, और एक भाई ये नीरज भाई हैं हमारे, नीरज गैंगस्टर, और भाई ये है हमारा हुक्का। सबसे पहले भाई आग करनी जरूरी है हुक्के के लिए, उसके बिना तुम हुक्का तो पी नहीं पाओगे जब तक इसमें आग नहीं होगी। इसको चिलम कहते हैं भाई, इसके अंदर आग डालते हैं, चुगल के ऊपर तम्बाकू, फिर ठेकरी, उसके बाद भाई फिर आग, फिर इसको सुलगाते हैं, फिर भाई घूट पे घूट लगते जाते हैं। अब भाई इसका सबसे पहले पानी चेंज करेंगे, क्योंकि इसका पानी कभी भी बिना ताजी करे नहीं पीना चाहिए। इसमें पानी भर लिया है, अब इसका हम पानी सेट करेंगे, पानी बाहर निकाल के, जो पानी ओवर हो जाता है तो उसको सेट करो अपने घूट के हिसाब से। अगर पानी ज़्यादा रखोगे तो तम्बाकू कम लगेगा, और अगर ज़्यादा कम रखोगे तो भाई तम्बाकू तुम्हारे गले पे ज़्यादा लगेगा, तो ये बात ध्यान रखना। तम्बाकू कैसे चेक करें कि सही है बेकार है? अगर भाई तम्बाकू सूखा होगा ना तो भाई वो तम्बाकू फिर सही नहीं रहता, उसमें महक सी आने लग जाती है। तो भाई तम्बाकू हल्का जैसे तुम्हारे हाथ में, जैसे देखो मैंने अभी से वो किया तो देखो मेरे हाथ में चढ़ गया, तो भाई ऐसे ही। और अगर तम्बाकू तुम्हारा सूख जाता है तो भाई उसमें शहद मिला दो, वरना उसमें लाट मिला दो, लाट तो भाई समझते होगे कि क्या होता है। ठीक है भाई, अब भाई और चिलम कैसे भरी जाए? ये हम तम्बाकू लेंगे भाई, इसको पहले सही से मैश कर लेंगे, मतलब रगड़ लेंगे हाथ पे, जैसे ये गांठ सी बन रखी है भाई ये ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद ये चुगल है भाई, इसमें चुगल होती है छोटी सी, इसको भाई बीच में लगाना ताकि हमारा तम्बाकू हुक्के के नली में ना जाए। तो भाई इसमें तम्बाकू बीच में रख के अपने हिसाब से लगाना भाई तम्बाकू, कहीं हमारी हवाबाजी देख के कहीं तुम भी ज़्यादा पीने लग जाओ। हमारी तो भाई हैबिट ज़्यादा की बन गई है आजकल, हम भी भाई कम पीते थे, बेकार चीज़ है ये। ठीक है भाई, तम्बाकू देख लो भाई, इस हिसाब से बीच में लगाना है, साइड में ना गिरे। और ये भाई ठेकरी है, ठेकरी को इसके ऊपर लगाते हैं, ये इसका चार्जर है, इसके बिना हुक्के का मज़ा नहीं आता, इससे हुक्का देर तक चलता है। कुछ बंदे भाई इसे तवा भी कहते हैं, दिया भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर हम आग रखेंगे बिना धुए वाले। ये अगर भाई हम ये धुएँ वाली आग चिलम में भर देंगे ना, तो भाई इससे हमारे गले में भी लगेगा और तम्बाकू भी हमारा भाई जल्दी जल जाएगा। तो ये चीज़ कभी भी गलती ये मत करना कि धुएँ वाली आग चिलम में भर दी, तो भाई उससे मज़ा नहीं आता फिर हुक्का पीने का, हुक्का बचता नहीं है भाई सही से। इसमें से हम आग झाड़ लेंगे ऐसे ऐसे करके, धुएँ वाली आग भाई बिल्कुल मत गिरना, इसमें मज़ा नहीं आएगा। फिर ये बीच में से काट लो जिससे धुएँ वाली आग ना आए। भाई राख साफ करके गिरना भाई चिलम में राख को, ये काली काली सी आग ये बढ़िया रहेगी एकदम ओके आग। अपनी चिलम भर ली है, ठीक है, अब इसमें एक फूंक मारनी है जिससे सारी जो राख है जो बेकार वो निकल जाए, ऐसे भाई। बस भाई आ जाओ, तो हमने अपना हुक्का भर लिया। अब भाई इसमें पहली घूट वही बंदा मारता जो एज में बड़ा हो और ओहदे में बड़ा हो, तो भाई अभी तो यहाँ पे कोई बड़ा तो दिख नहीं रहा मेरे को, तो भाई पहली घूट मैं ही मार देता हूँ। और भाई हुक्के की दो घूट लगती है, दो घूट से ज़्यादा कभी मत मारना भाई, वरना बड़े बूढ़े तुम्हें उठा देंगे बैठे जैसे बीच में से। अब भाई पहली घूट तो मार दी हमने, अब भाई ये सुलगेगा, अब इसको भाई सुलगाना पड़ेगा हमें, दो तीन मिनट में भाई हुक्का सही से सुलग जाएगा, फिर मैं आपको स्मोक दिखाता हूँ कितना कैड़ा स्मोक आता है भाई हुक्के में। स्मोक हमने बना लिया है बढ़िया, देखो स्मोक कैसा आता है। हमेशा भाई लंबी घूट मारनी है, छोटी घूट कभी मत मारना, उससे तम्बाकू जल्दी ख़त्म होता है।